Good morning. How are you all? Hope you had enjoyed till. Please tell me our first lesson, the blue jackal. So we will start from the blue jackal then made the lion and the tiger important ministers of his kingdom. I am repeating. Listen to me carefully. जो हमारा पहले का पेज था उसमें हमने क्या क्या किया था कि जो जैकल है वो कहाँ चला गया था. ही वॉज देयर. एक बहुत बहुत घना जंगल था जिसमें विकेट बहुत चालाक जैकल रहता था. और वॉट ही वॉज डूइंग, वो बहुत ज़्यादा हंग्री हो गया. उसको जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वो फिर किस तरफ को दौड़ा. ही जस्ट reached nearby village जहाँ पे उसको खाना ढूंढने लगा. लेकिन खाना ढूंढते ढूंढते उसको क्या दिखा, उसको pack of dogs, बहुत बड़ा एक झुंड झुंड, pack means झुंड झुंड मिला. किसका? डॉग्स का झुंड मिला जो उसको देखते ही उसकी तरफ जोर जोर से भौंकने लग गए. और दे ट्राइड टू चेज हिम अवे मतलब उसके पीछे ज़ोर से दौड़ने लग गए. जैसे हम लोग स्कूल में सब फ्रेंड्स खेलते हैं, बट एक फ्रेंड दौड़ता है और हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसको चेस करते हैं, वैसे ही सब उसको चेस करने लग गए. और वो घबरा गया, डर गया. और वो कहाँ पे जंप किया उसने, उसने एक वॉशरमैन का घर दिखा. वॉशरमैन धोबी जो हमारे कपड़े धोता है, आई अगेन रिपीट, उसके घर में जो वॉशरमैन था उसके घर में एक बहुत बड़ा टैंक था जिसमें उसने क्या डाल रखा था, ब्लू डाय डाल रखा था. तो उस जैकल ने उसमें जाके जंप किया और वो कैसा बन गया, वो एकदम से ब्लू कलर का बन गया. और फिर वो, उसको नहीं पता था कि वो ब्लू कलर का बन गया, लेकिन अब वो वहीं छिप कर बैठा रहा कि जब सुबह हो, सुबह मीन्स डॉन, बिफोर सन राइज, जब सुबह सुबह बहुत अर्ली सुबह 4 o'clock से भी पहले 3 बजे जब अंधेरा होता है, सब सो रहे होते हैं, कोई नहीं जागा होता, उस टाइम पर वो वहाँ से निकला और चुपचाप क्वाइटली बहुत escape means वो वहाँ से भागा, वो वहाँ से अपने आप को बचा कर भागा. कहाँ भागा वो जंगल की ओर भागा. के क्यों भागा? क्योंकि उसको डर था कि कहीं फिर से डॉग्स उसको अपना देख लें और डॉग्स तो उसको फाड़ देंगे, मार डालेंगे. सो ईव और उसमें इतना ज़्यादा थक गया था, इतना घबरा गया था, उसको बहुत प्यास लगी, थर्स्टी, ही वॉज वेरी थर्स्टी. सो ही वेंट टू रिवर टू हैव सम वाटर. अब वो जैसे तैसे करके कहाँ पहुँचा, जंगल में, जहाँ उसे पता था कि कहाँ पर रिवर होती है, और वो वहाँ जाकर पानी पीने लगा. तो ही वॉज सरप्राइज, वो एकदम से हैरान हो गया. हैरान जैसे कभी भी हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं. सरप्राइज पापा कुछ हमारे लिए अचानक से लाते हैं, एकदम से मम्मा हमारे बर्थडे पे हमें विश करती है और बहुत बड़ा गिफ्ट देती है, वी ऑल गेट सरप्राइज. फिर उसके बाद मैम, जब हम बहुत अच्छा वर्क करते हैं, मैम चॉकलेट बना के देती है, आइसक्रीम बना के देती है, देन ऑल्सो यू से ओ वाओ वी ऑल आर सरप्राइज. तो वैसे ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज. तो उसने क्या देखा, उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, परछाई देखी. हमारी शैडो होती है ना, शैडो जो हमारे साथ हमेशा होती है. तो लेकिन जैसे ही उसने पानी में देखा, तो पानी में उसको देखो, पिक्चर में देखो ध्यान से, उसमें उसको क्या दिख रहा है, शैडो दिख रही है उसको, अपनी परछाई दिख रही है. लेकिन वो कौन से कलर की परछाई हो गई है, वो उसको देखते ही घबरा गया, डर गया, स्ट्रेंज, वो एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कौन है मेरे साथ, ये कौन खड़ा है पानी में. तो उसने क्या देखा, ये द एंटायर बॉडी उसकी ब्लू कलर में डाई हो गई है, वो पूरा ब्लू कलर में हो गया है. फिर अब ऑल द एनिमल्स एट द रिवर स्टार्टेड टू रन अवे फ्रॉम इट. जैसे ही उसको सबने देखा तो सब एनिमल्स उससे दूर भागने लग गए, उससे डरने लग गए कि ये कौन है, ये कोई जानवर है, कौन है, कहाँ से आया है, हम इसे नहीं पहचानते. सो ही इज सो स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, सबसे अलग, और एकदम से सब उसको देख कर घबरा रहे थे. वॉट कुड दिस His secret भी, अब secret, उसका क्या secret है इसमें, उसको ये कौन है, ये कैसा है. लेकिन जो उसका secret था वो किसको पता था, सिर्फ उस clever jackal को पता था कि वो कहाँ पे है और वो कौन है, और किसी को पता नहीं था कि वो jackal है. He
मस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम. अब सब ने यही डिसाइड किया कि हमें इससे, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम. सीइंग द एनिमल्स रन अवे द जैकल सेड इन ए लाउड थ्रॉटी वॉइस. अब उसने जोर से बोला, ओ फ्रेंड्स डू नॉट बी अफ्रेड, आप लोग मुझसे मत डरो. लॉर्ड ब्रह्मा द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशंस हैड मेड मी हिमसेल्फ. अब जो लॉर्ड ब्रह्मा है उसी ने सबकी क्रिएशन की है, तो उसी ने मुझको भी बनाया है. ही हैज सेंड मी टू बिकम योर किंग. अब उसने मुझे यहाँ पे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है. लुक आफ्टर यू एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स. अब तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए. फाइनली द एनिमल्स मेड अप देयर माइंड्स. अब सब ने क्या डिसाइड किया, मेड अप देयर माइंड्स. अब उन सब ने अपने आप को सोचा, जो उसने बोला था उसको सोचा कि ये क्या बोल रहा है. तो उन सब ने फिर क्या डिसाइड किया, टू हैव द जैकल एज देयर किंग. अब उन्होंने सोच लिया, अपना माइंड बना लिया कि ये हमारा राजा बन सकता है. दे सराउंडेड हिम एंड सेड, ओ मास्टर We await your commands. What can we do for you? Please tell me. अब सबने उसको अपना राजा बना लिया. तो राजा कौन होता है, जो पूरे राज्य का ख्याल रखता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है. तो अब उन सबने उसको ये क्या बोला कि अब आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे. द ब्लू जैकल Then made the lion. अब ब्लू जैकल राजा है, तो राजा ने क्या बोला कि जो लॉयन है और टाइगर है वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द किंगडम बन गए. अब राजा ने किस किस को इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बनाया, मुख्यमंत्री किसको बनाया, जो इम्पोर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल जो मिनिस्टर्स थे, उनको लॉयन को और टाइगर को बनाया. द एलिफेंट वॉज मेड द डोर कीपर एंड द डोंकी वॉज टू मेक द बिग अनाउंसमेंट्स. अब डोंकी कैसे बोलता है, ध्यान है, ढैचू ढैचू है, तो वो जोर जोर से चिल्ला सकता है. और जो एलिफेंट है बहुत बड़ा है, जिसको देख के सब डर जाते हैं, तो उसको उसने अपने द्वारपाल डोर कीपर बनाया, जो वहीं बैठेगा और अगर किसी को उससे मिलना है तो पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सब उस एलिफेंट की परमिशन लेके वो लोग जाएंगे राजा से मिलने. डोंकी वॉज टू मेक द बिग अनाउंसमेंट. जितने भी घोषणा, जितने भी राज्य के ऐलान होंगे, जितने भी उस जंगल में ऐलान होंगे, तो वो कौन करेगा, डोंकी करेगा. ही गेव इम्पॉर्टेंट रोल्स टू एवरी एनिमल इन द जंगल. अब उसने सबको, जितने भी जंगल में एनिमल्स थे, सबको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल दे दिया. दे वर मोस्टली अबाउट हाउ टू सर्व हिम. अब सबका क्या था, अब सबको यही था कि हम उसको कैसे सर्व करें, हम उसको कैसे, मतलब कैसे इम्प्रेस करें, कैसे हमारा राजा हमसे खुश रहेगा. जो राजा है वो मुख्य है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो सब वही कोशिश करने लग गए. बट ही डिड नॉट हैव एनी थिंग टू डू विथ अदर जैकल्स एंड डिड नॉट वॉन्ट देम टू कम नियर हिम. अब सबको तो उन्होंने ड्यूटी दे दी राजा ने, उस ब्लू जैकल ने, लेकिन उसने जो उसके जो फ्रेंड्स थे, जो जैकल्स थे, जो उसके रिलेटिव्स थे, उनको उसने कुछ नहीं दिया. क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि जैकल्स को पता लग गया कि वो भी जैकल है, तो उसका तो पूरा का पूरा जितना प्लान था वो खराब हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा ये कोई ब्लू जैकल, ये किसी भगवान ने नहीं भेजा है, ये तो जैकल ने अपनी एक चलाकी से अपने आप को सबके सामने ऐसा बनाया कि मुझे राजा बनाओ, क्योंकि मुझे लॉर्ड ब्रह्मा ने यहाँ पे नीचे भेजा है. सो अब उसको क्या हो गया, अब उसको डर लगने लगे. ही फेयर्ड दैट दे माइट फाइंड आउट हु ही वॉज. फेयर्ड, अब उसको डर लगने लगे, वो इन सब चीज़ों से डरता था. क्यों, क्योंकि जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं, हम कोई चोरी करते हैं, तो हमें डर लगता है ना कि हाँ हम कहीं पकड़े ना जाएं, और उस चीज़ के लिए हम फिर वापस से कुछ और करते हैं. तो इस वजह से हमें इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी की चीज़ नहीं लेनी जिससे हमें कोई डर लगे. सो ही वॉज फेयर्ड, अब उसको वही चीज़ अंदर ही अंदर डर रही था, वो डर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ. सो ही आस्क्ड देम टू चेज आउट ऑफ द जंगल एंड सेड दैट दे वर नेवर टू बी अलाउड इन अगेन. अब उसने क्या ऐलान किया कि इन सब जैकल्स को चेस्ड फिर यहाँ से बाहर भगा दो, इस जंगल से ये लोग मुझे इस जंगल में कहीं नजर नहीं आने चाहिए. और वो वापस अलाउड, मतलब वापस नहीं, उनको कोई अनुमति नहीं इस जंगल में वापस आने की.
एनिमल्स वुड हंट फूड फॉर हिम एवरी डे. अब रोज का क्या बन गया, रोज एनिमल्स उसके लिए खाना हंट करते थे, शिकार करते थे. एवरी डे ब्रिंग इट टू हिम, उसके पास वो खाना आता था. ही डिवाइडेड द फूड अमंग ऑल ऑफ देम आफ्टर कीपिंग हिज ओन शेयर. और डेली वो क्या करता था, रोज अपना शेयर रख के जितना बाकी का होता था वो उन सब में वो बांट देता था. दिस वेंट ऑन फॉर मैनी मंथ्स, अब बहुत महीनों तक यही चलता रहा. बट वन इवनिंग वेन डब्ल्यू जैकल वॉज एड्रेसिंग अदर एनिमल्स, अब एड्रेसिंग जब वो सब एनिमल्स को भाषण दे रहा था, जोर जोर से अपनी बातें बता रहा था कि हमें अब आगे क्या करना है. अब वो राजा है तो राजा तो मीटिंग्स लेगा, तो उसने क्या सुना, ही हर्ड ए पैक ऑफ जैकल्स हाउलिंग एट अ डिस्टेंस. अब जैकल ने क्या सुना कि दूर बहुत दूर कहीं जैकल जोर जोर से हाउल, हाउल कैसे वो करते हैं, ऐसे कर रहे थे. तो उस जैकल को क्या लगा कि बहुत दूर से क्यों ये आवाज आ रही, अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ. अब वो जैकल है तो जैकल होगा तो उसको भी वैसे बोलने का करने का मन होगा. अब जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स कैसे बोलते हैं, वाऊ 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 वाऊ, और कैट्स म्याऊ म्याऊ, और जो लायन होता है वो क्या बोलता है, तो सब अपने. और हम कैसे बोलते हैं, हम अपने उसमें बोलते हैं, हम सब डिफरेंट डिफरेंट तरह से बोलते हैं. तो अब जो जैकल है वो भी अपनी जो आवाज थी अब उसको कैसे कितनी देर रोक सकता था, तो उसको अनेबल हो गया कंट्रोल करना. सो ही सेट अप एंड बिगेन टू हाउल. अब वो भी बैठ गया एक जगह पर, जोर जोर से आवाजें निकालने चल लग गया, जोर जोर से. व्हेन द लायन एंड द अदर एनिमल्स हर्ड इट, अब सारे मीटिंग में थे तो एनिमल्स और लायंस ने सबने जितना सबने देखा तो वो अंडरस्टूड, वो सब समझ गए कि ये कोई लॉर्ड ब्रह्मा ने हमें नहीं, भगवान ने भेजा है ये राजा, ये तो कोई ऑर्डिनरी जैकल है, ऑर्डिनरी साधारण सा कोई जैकल है. दे सेड टू ईच अदर एंगरली, और सब जो गुस्से में उसको बोलने लगे, दिस जैकल हैज फूल्ड अस, अब इस जैकल ने इस चालाक भेड़िए ने हम सबको फूल किया, पागल बनाया, मूर्ख बनाया है. वी विल नॉट लेट हिम लिव इन आवर जंगल एनी मोर, ही शुड बी पनिश्ड. अब उसने क्या बोला, अब हम इसको इस जंगल में कभी नहीं रहने देंगे, इसको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी. ही वॉज देन चेज्ड आउट ऑफ द जंगल एंड नेवर अलाउड टू सेट फुट देयर अगेन. अब सब ने उसको उस जंगल से बाहर निकाल के फेंक दिया और उसको अलाउ नहीं किया उस जगह पर सेट फुट, मतलब उसको वापस उस जगह पर नहीं आना, अगर वो आएगा तो उसको वो लोग मार डालेंगे. सो होप आपको ये स्टोरी मज़ेदार लगी, अच्छा लगा सुनकर. पूरी अच्छे से स्टोरी पढ़नी है, ग्रॉसरी चेस्ड टू रन आफ्टर समटाइम्स. अब हम इसका एक्सरसाइजेस ये पूरा वी विल डू In next video, I will just tell you to write all the difficult words. I will just send you the pic of it and then you will continue with all these exercises. So hope आपको ये lesson बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. और अगर कोई भी queries हो, you can just ask me or by calling me. So thank you so much. We will meet in our next video. Bye.